पीतम्बर औद्योगिक क्षेत्र के संजय जलाशय तालाब पर सागौर नदी और बगदुन तालाब पर बड़े उत्साह के साथ उत्तर भारतीयों द्वारा छठ पूजा के महापर्व को मनाया गया। छठ पूजा के इस महापर्व पर संजय जलाशय तालाब पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के त्योहार को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को छठ पूजा का त्योहार रहता है। इस दिन डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व सभी धर्म की महिलाएं बड़े उत्साह के साथ मनाती है। छठ पूजा का यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य उपासना के लिए किया जाता है, ताकि पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वहीं छठ पूजा के इस महापर्व पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं संजय जलाशय तालाब में एक मोटर बोट का इंतजाम किया गया है। इस मोटर बोट पर गोताखोरों की टीम पूरे समय चौकस रही है। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय श्रमिक वर्ग निवास करता है। हजारों की संख्या में महिलाएं छठ पूजा में शामिल हुई और पूजा अर्चना की। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। आज का जो आयोजन है किस प्रकार का आयोजन है और क्या महत्व है इस पूजा का? सर, महत्व इस पूजा का ये है कि सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और 24 घंटा औरतें व्रत रहती हैं, 36 घंटा औरतें व्रत रहती हैं। उसके बाद इतना पानी में खड़े होकर के अपना व्रत को अथु करती हैं। उसके बाद अर्घ दिया जाता है। जो परिवार में अर्घ देते हैं लोग, यहाँ आ करके बच्चे हो, पति हो, आदमी हो, दर्द या परिवार हो, जो भी लोग हों उनको लिया के अर्घ दिया जाता है। उसके बाद सूर्य भगवान जब बिझुक जाते हैं तो उसके बाद में समाप्त होता है। फिर सुबह में 5 बजे भोर में फिर यहाँ आना पड़ता है छठ माता के लिए यहाँ, और प्रसाद सब लेकर के दोबारा ये प्रसाद रख के दूसर का प्रसाद फिर लेकर के फिर यहाँ आना पड़ता है यहाँ। फिर छठ की पूजा यहाँ होती है सुबह में। फिर सुबह में सूर्य भगवान जब अर्घ सूर्य भगवान निकलेंगे तब उसके बाद अर्घ दिया जाएगा। अर्घ देने के बाद में यहाँ फिर हवन पूजा सब यहाँ होगा। उसके बाद में प्रसाद का वितरण होगा। उसके बाद भी पानी में निकल करके लोग फिर अपने अपने घर चले जाएंगे लोग। ये पूजा किस क्षेत्र में मनाई जाती है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।